नई साल की पार्टी हो या घर में गेट टुगेदर, ये रेसिपी आप सभी लोगों के बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसे आप पहले से बनाकर 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। मैं बनाने जा रही हूँ सुपर क्रिस्पी क्रंची, घर के ही कुछ ही सामान से ऐसे जबरदस्त टेस्टी और क्रिस्पी कटलेट जिन्हें आप देखते ही बनाना चाहेंगे। और सबसे खास बात रेसिपी की, सिंपल चीजों से आप इतना जबरदस्त कटलेट तैयार करेंगे कि खाने वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। साथ ही आपको बताऊंगी एक क्विक एंड इजी इंस्टेंट डिप जिसके साथ तो ये क्रिस्पी कटलेट खाकर मजा आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद परल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। क्विक एंड इजी सुपर क्रिस्पी पोहा कटलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप पोहा। सिंपल चिरवा जिसे हम बोलते हैं, जिससे हम रोज में पोहा बनाते हैं ना नमकीन, ये बस मैंने नॉर्मल वाला वही पोहा लिया है। तो मेजरमेंट के लिए आपको 1 कप कटोरी सेट कर लें, उसी से आप सब चीजें ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम पोहे को अच्छे से धो लेंगे क्योंकि इसमें डस्ट होती है। और इस तरह धो करके बस 2 मिनट पानी में आप इसी तरह छोड़ दीजिए और 2 मिनट बाद एक छलनी से इस तरह पानी को छान देंगे और छान करके बस कुछ छड़ के लिए पोहे को ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि जो भी इसमें पानी होगा वो निकल जाएगा। ऐसा करने से जो पोहा है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएगा और जो कटलेट है वो बढ़िया क्रंच में तैयार होंगे, क्योंकि जिस तरीके का टेक्सचर हमें चाहिए वो इस तरह भिगोने से ही आएगा। लीजिए, तो सारा पानी निकल गया है पोहे का, आप देख सकते हैं एकदम खिला खिला सॉफ्ट पोहा हमारा तैयार है। अच्छे से हाथ से इसको मैश करेंगे इस तरह, जिससे कि जो पोहा है उसका एक डो जैसा तैयार हो जाए और जो कंसिस्टेंसी है पोहे की एकदम स्मूथ हो जाए। बहुत ही बढ़िया बनते हैं कटलेट। सबसे खास बात इसकी ये है, मेहनत कम तारीफ ज्यादा। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल बढ़िया से मैंने पोहे को मैश कर लिया है। अब इसमें जाएंगी कुछ फ्लेवरफुल चीजें। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटे साइज के आलू उबले हुए, जिनको मैंने कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है। ऐसे ग्रेट करके ही डालें तो उससे क्या होगा कि जो टेक्सचर है कटलेट का बढ़िया आएगा, वरना लम्स दिखाई देंगे तो मजा नहीं आएगा। पहले से ही आलू को उबाल लिया था, ठंडा हो जाने के बाद इस तरह से मैश करके डालें तो इसमें चिपचिपापन नहीं आएगा। अब नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को चॉप करने के बाद ना हाथ से एक बार निचोड़ लीजिएगा, जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो निकल जाएगा। यदि आप प्याज वगैरह नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च। तो यहाँ शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया और चॉप करने के बाद हाथ से हल्का निचोड़ दिया, जिससे कि जो हमारा मिक्स हम तैयार कर रहे हैं ना कटलेट का, वो गीला ना हो। अब यहाँ पर मेरे पास ना फ्रिज में पीली वाली शिमला मिर्च भी पड़ी हुई थी, तो मैंने वो भी ले ली है, बढ़िया लगेगी इसमें। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, हरी मटर हो उबली हुई तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो यहीं पर पीली वाली भी मैं डाल रही हूँ लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब, और 1 बड़ा चम्मच में डाल रही हूँ अदरक और हरी मिर्च का इस तरह दरदरा करा हुआ मिक्स। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच दरदरा कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया मैंने थोड़ा दरदरा क्रश कर लिया था। ये इस कटलेट में बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है, अगर नहीं हो आपके पास तो सिंपल पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, चाट मसाला ना हो तो उसकी जगह आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। सिंपल सभी चीजें मैंने वो ली हैं जो जनरली घर में रहती ही हैं। स्वाद अनुसार नमक, और बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ चावल का आटा। तो 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब यहाँ हम चावल का आटा डाल देंगे, इससे जो हमारे कटलेट है ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे और इजीली बाइंड हो जाएंगे। यदि आपके पास चावल का आटा ना हो तो उसकी जगह आप अरारोट पाउडर डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। साथ में कटलेट के फ्लेवर को और भी एनहेंस करने के लिए, थोड़ा सा क्रंची बनाने के लिए, मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच दरदरी कुटी हुई रोस्टेड मूंगफली। सिंपल जो मूंगफली आती है कच्ची वाली, उनको रोस्ट कर लिया मैंने तवे पर, छिलका हटा करके उसे दरदरा सा कूट लिया है। बहुत ही बढ़िया लगती है इस पोहा कटलेट में, आप नहीं लाइक करें तो स्किप कर सकते हैं। और गया बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हाथ पर हल्का सा ऑयल डालकर ग्रीस कर लीजिए और सब चीजों को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा भी गीलापन लगे तो थोड़ा सा आप चावल का आटा और ऐड कर लें। लीजिए, हमारा कटलेट के लिए मिक्स हो गया तैयार, कोई मेहनत ही नहीं है, फटाफट वाला काम। अब बस इसमें से लेंगे एक नींबू के साइज की बॉल और हाथ को ग्रीस करके इस तरह से इसकी गोल गोल टिक्कियां बनाएंगे, जैसे कबाब होते हैं ना, बस इस तरह से हल्का सा हथेली पर रखकर फ्लैट करेंगे। ये देखिए, बन गए हमारे जबरदस्त वाले कटलेट, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ सफेद तिल से। इस तरह से थोड़े से तिल ऊपर डालेंगे,
हल्का सा प्रेस कर देंगे। इतनी सुंदर इसकी लुकिंग आएगी क्योंकि आप ये पार्टी के लिए बना रहे हैं या मेहमानों के लिए, तो सब तारीफ भी करेंगे, देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेंगे। एक तरीका तो ये हो गया सजाने का, आप चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं बिना तिल लगाए। तो इसी तरह हम सारे पोहा कटलेट तैयार कर लेंगे। और ये देखिए मैंने इस तरह सारे बना करके तैयार कर लिए हैं, देखिए इसकी लुकिंग। अब इन्हें आप इस तरह बना करके 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीजर में, जब बर्फ जमाते हैं ना वहां पर आप इन्हें स्टोर कर लीजिए, 15-20 दिन भी ये खराब नहीं होंगे। फ्रिज में रख रहे हैं तो 3 दिन आराम से चल जाएंगे, तो जब दिल चाहे निकालिए। और जैसे फ्रोजन स्नैक्स आप गर्म तेल में फ्राई करते हैं, उसी तरह शैलो फ्राई या डीप फ्राई इनको कर सकते हैं, या अवन में बेक भी किए जा सकते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड अवन में आप लगभग 12 से 15 मिनट के लिए इन्हें बेक करें। तो चलिए आज मैं इन पोहा कटलेट को करके दिखाती हूँ शैलो फ्राई, उससे इसकी लुकिंग बहुत बढ़िया आएगी, ऑयल भी कम लगेगा, काम जल्दी हो जाएगा। तो गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन या कढ़ाई और उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ऑयल को पहले बढ़िया गर्म कर लेंगे। ऑयल में से अच्छी हीट आ रही है, फ्लेम को कर देंगे लो और धीरे धीरे अपने पोहा कटलेट इस तरह से ऑयल में लगाते जाएंगे। एक बार में जितने पीसेस आ सकते हैं बस उतने ही पीसेस लगाएंगे और अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे। जब नीचे से एक लेयर इनकी सिक जाएगी उसके बाद इन्हें हम फ्लिप कर देंगे। आप इनको चाहें तो इसी तरह डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं बबल्स कम हो रहे हैं, नीचे से लेयर सिकती जा रही है। पोहा कटलेट्स मुझे नीचे से हल्के हल्के से गोल्डन दिख रहे हैं, तो धीरे से एक स्पून या इस तरह से स्पैटुला से कटलेट्स को पलट देंगे। सुपर्ब, और दोनों साइड से बढ़िया क्रिस्पी क्रंची होने तक गोल्डन फ्राई कर लेंगे। एकदम मस्त दिख रहे हैं, तो एक बार और इनको पलट देंगे और नीचे से थोड़ा सा और इनको क्रिस्प कर लेंगे। वाओ देखिए क्या लुकिंग आई है, बहुत ही कम टाइम लगता है इनको फ्राई होने में। और जो तिल इस पर लगाए वो देखिए कितनी सुंदर इसकी लुकिंग दे रहे हैं। और ये लीजिए हमारे कुरकुरे करारे क्रिस्पी गोल्डन पोहा कटलेट हैं बिल्कुल तैयार। ये देखिए इसका टेक्सचर, लुकिंग से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं ऊपर से और अंदर से खाने में कितने मजेदार। बिल्कुल इसी तरह से अब हम सेकंड बैच के भी पोहा कटलेट फ्राई कर लेंगे। तो चलिए जब तक सेकंड बैच के पोहा कटलेट हमारे तैयार हो रहे, फटाफट बताती हूँ एक जबरदस्त वाला इंस्टेंट डिप। मजेदार इंस्टेंट डिप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 4 चम्मच एगलेस मेयोनीज। इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच हरे धनिये की चटनी, जो सिंपल ग्रीन चटनी हम रोजमर्रा में बनाते ही रहते हैं, बस वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। मस्त टेस्ट आएगा डिप का और पोहा कटलेट के साथ तो मजा आ जाएगा खा करके। और ये लीजिए बहुत ही प्यारे कलर में हमारा जबरदस्त टेस्टी हरे धनिये वाला डिप है बिल्कुल तैयार। चलिए तो फटाफट से अपने पोहा कटलेट को करते हैं सर्व। ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे झटपट बनने वाले गर्मा गर्म क्रिस्पी करारे पोहा कटलेट। लग रहे हैं ना एकदम टेम्पटिंग, बनाइएगा जरूर, आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये देखिए इसका टेक्सचर, बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं क्या मस्त बने हैं। और तिल तो इतने प्यारे लग रहे हैं ना कि मजा आ जाएगा जिसके सामने भी आप सर्व करेंगे। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट मजेदार, बनाना आपने देखा कितना आसान है। और गर्मा गर्म पोहा कटलेट को मैंने सर्व किया है टोमेटो केचप और अपनी झटपट वाले इंस्टेंट डिप के साथ। तो बस जब भूख लग जाए तब बनाए, या मेहमान आने वाले हो तब बनाए, या किसी भी पार्टी के लिए एज अ स्टार्टर बनाए, ये आपको हर वक्त ही पसंद आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज के ये क्रिस्पी क्रंची पोहा कटलेट इंस्टेंट डिप के साथ वाली रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।